हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्यूरोक्रेसी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्रेस जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये MCO 1 का यूनिट टू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पॉइंट नंबर 2.4 क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सब पॉइंट ब्यूरोक्रेसी फर्स्ट 1.1.1 है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्या होता है क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन का और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। तो जो क्लासिकल थ्योरी होता है वो क्या होता है, मतलब जो भी पुराने थ्योरीज होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका जो ओरिजिन है, मीन्स क्लासिकल थ्योरी का जो ओरिजिन होता है, वो जो राइटिंग्स है, मतलब जो FW टेलर, मैक्स वेबर, जेम्स मॉरे, EFL बीच और लॉयस एलन द्वारा जो राइटिंग्स, मतलब वो जो लोग लिखते थे, जो भी था उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसी से रिलेटेड होता है। तो जो इम्पैक्ट होता है क्लासिकल थ्योरी का वो प्रोफाउंड है। तो जो क्लासिकल थ्योरी है वो 3 स्ट्रीम्स में डेवलप किया गया था। सबसे पहला है ब्यूरोक्रेसी, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और तीसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये जो कॉम्पोनेंट्स है क्लासिकल थ्योरी का, जो भी ये कॉम्पोनेंट्स है, उसको कुछ एजम्पशंस के लिए किया गया था। मीन्स जो 1900 से 1950 AD के जो टाइम था, उसमें जो एजम्पशंस था उसी के सिमिलर में था जो क्लासिकल थ्योरी का कॉम्पोनेंट्स है वो। तो ये जो कॉम्पोनेंट्स है उसको, मतलब डेवलप किया गया था। जो भी कॉनोटेशंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में, उसको आइडिया को लेकर के ही डेवलप किया गया था। तो उससे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया कि जो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर रिलेशनशिप, पावर, ऑब्जेक्टिव, रोल, एक्टिविटी, कम्युनिकेशन और जितने भी अदर फैक्टर्स जो एग्जिस्ट करते हैं जब लोग एक साथ काम करते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। मीन्स जितने भी फैक्टर्स होते हैं जब लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रीम्स था क्लासिकल थ्योरी का, उस वो क्या हो गया, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। तो चलिए बात करते हैं तीनों के बारे में। तीनों के बारे में तो आज नहीं बात करेंगे, आज सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इज अ सोशल इन्वेंशन परफेक्टेड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइज इन डायरेक्ट डे एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म। इट डिस्क्राइब्स अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय ऑफिशियल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ब्यूरोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच रोल, टास्क एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड पोजिशंस आर क्लियरली डिफाइंड, केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड एंड कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मल अथॉरिटी, एंड एनी डेविएशन फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन व्यू इज व्यूड वेरी सीरियसली। द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वॉज सिस्टमैटिकली डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर 1864 to 1920। वेबर टर्म्ड हिज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज आइडियल टाइप। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज, मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव एंड्स। Every organization develops a system of specialization, division of task, and a system of systematic rules and procedures to maximize efficiency and productivity. Wherever stressed that the bureaucratic form is capable of attaining the highest degree of efficiency and is in this sense formally the most rational known means of carrying out control over human being in any organization. It is superior to every other form in precision, stability, discipline and reliability. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी होता है ना, वो एक सोशल इंटरवेंशन होता है जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज करने के टुवर्ड्स ही, मतलब इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइज रिवॉल्यूशन जब ऑर्गेनाइज किया गया था उस दौरान क्या हुआ था, इसका इन्वेंशन हुआ था, सोशल इन्वेंशन हुआ था। और साथ ही साथ ये जो इन्वेंशन हुआ था वो बेसिकली था कि फर्म के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए। तो ये इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको वो रन करते डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, वो सबको सिस्टम को रन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे रोल्स, टास्क और रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में, और साथ ही साथ उनका जो क्या पोजीशन है, मीन्स जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहे हैं उनका क्या पोजीशन होता है, वो उस बारे में उन लोगों को क्लियरली पता होता है, क्लियरली उन लोगों को बता दिया जाता है सारी चीज़ें, और साथ ही साथ उनको कंट्रोल भी किया जाता है। मीन्स जो फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं और जो भी डेविएशंस होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उसको बारे में बता दिया जाता है ताकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वो उसको सीरियसली लेकर के फॉलो कर सके। मीन्स जितने भी उनसे रिलेटेड चीज़ें होती है, क्या पोजीशन है, कैसे काम करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या अथॉरिटी उनको दिया जाता है, मीन्स सब चीज़ को लेकर के उनको
क्लियरली बता दिया जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी था वो डेवलप किया गया था मैक्स वेबर के द्वारा 1864 से लेकर 1920 तक का उनका लाइफ टाइम था। तो जो वेबर है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी वो फॉर्मुलेशन था ऑर्गेनाइजेशन का वो एक आइडियल टाइप का था उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो मैक्स वेबर थे उनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसको एक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ की तरह डिफाइन किया गया था, जो कि डायरेक्टेड थे कोई भी गोल जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अचीवमेंट के लिए। मतलब कि स्टार्ट होता है एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्या एक्टिविटीज़ है, स्ट्रक्चर क्या एक्टिविटीज़ का, और जाकर के ख़त्म होता है उस एक्टिविटी को, मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने तक का, मीन्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते एक स्पेशलाइजेशन का सिस्टम, यानी कि डिवीज़न ऑफ टास्क जो होता है, तो एक सिस्टमेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर बनाया जाता है ताकि जो भी काम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके, मीन्स एफिशिएंसी के साथ हो सके सारा काम, और साथ ही साथ जो आउटकम निकल के आया वो अच्छा आउटकम निकल के आया, मीन्स एक तरह से बोला जाए तो बिना कोई तरह का वेस्टेज के, चाहे वो मेन हो मटेरियल हो किसी भी चीज़ का वेस्टेज ना हो करके भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सके और कम टाइम में हो सके। तो जो वेबर है वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म जो होता है वो इस चीज़ के लिए कैपेबल होता है कि जो भी काम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा से, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हो। हर इस सेंस में क्या होता है कि जो मोस्ट रैशनल नोन है, जो कि कंट्रोल करता है जितने भी ह्यूमन बींग्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसको लेकर के, तो ये बोला जा रहा है कि जो सुपीरियर है, मतलब ये क्या हो जाता है, एक तरह से सुपीरियर हो जा रहा है, मतलब जितने भी अदर फॉर्म्स होते हैं जैसे कि प्रिसिशन, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, रिलायबिलिटी, ये सारे जो भी चीज़ें होती है उससे ज़्यादा सुपीरियर ये हो जाता है। ब्यूरोक्रेटिक जो फॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है वेबर के अकॉर्डिंग। वेबर ट्राई टू आइडेंटिफाई वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशंस दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉपरेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंसिडरेबल स्पीड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी इज सिंपली इंडिस्पेंसिबल इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनहेरिटेंट एविल्स फॉर द रनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली एन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज द रोल ऑफ एक्सपेंडिंग टेक्निकल नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वेदर द इकोनॉमिक सिस्टम इज कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक, अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू अटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। थर्डली वेबर रिपीटेडली स्ट्रेस द फैक्ट दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम हैज़ अनडिजायरेबली प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम नेसेसिटेटेड अ स्टेबल स्टेट एंड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बिसाइड्स कैपिटलिज्म इज कंसिडर्ड द मोस्ट रैशनल इकोनॉमिक बेसिस ऑफ फॉर ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव इटसेल्फ। तो वेबर जो है वो ट्राई किया था ये आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी फैक्टर्स और कंडीशंस होते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी का ग्रोथ के लिए, मॉडर्न टाइम्स में ब्यूरोक्रेसी का ग्रोथ के लिए जो भी कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसका जो भी फैक्टर्स कंडीशंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे थे। तो क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का और कॉरपोरेशन का, उससे क्या होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ कंसिडरेबल स्प्रेड किया जाता है उसको। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक सिंपल सा इंडिस्पेंसिबल रिस्पेक्टिव है, इंडिस्पेंसिबल है, मतलब उसका देखिए इनहेरिटेंट एविल्स है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्लेक्स तरह से रन कर रहा है। मतलब यहाँ पे सॉरी मतलब इसमें इस सेंस से बोला जा रहा है कि मतलब चाहे ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रन करा रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंक्शंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पर कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रन करा रहा है। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके अलावा कि वो रिस्पॉन्सिबल है सुपीरियरिटी के लिए, जो भी ब्यूरोक्रेसी का सुपीरियरिटी होता है उसके लिए, और साथ ही साथ जो रोल होता है उसका टेक्निकल नॉलेज को एक्सपेंड करने का और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो चाहे जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्टिक क्यों ना हो, चाहे सोशलिस्टिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो ब्यूरोक्रेटिक का स्पेशलाइजेशन जो होता है वो हाई लेवल का होता है, जिससे कि
ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है वो एफिशिएंसी के साथ हो सके। इसके अलावा तीसरा ये है कि जो वेबर है वो रिपीटेडली ये स्ट्रेस कर रहा है, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहा, जोर दे रहा है कि जो फैक्ट ये है कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के डेवलपमेंट में। तो जो प्रॉपर फंक्शनिंग होता है किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का, वो क्या करता है, वो एक स्टेबल स्टेट में होता है, साथ ही साथ वो वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया जाता है। इसके अलावा जो कैपिटलिज्म होता है उसको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रैशनल इकोनॉमिक बेसिस में लिया जाता है कोई भी ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव का। इसके अलावा बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। इट अप्लाइज मोर टू द जॉब दैन टू द इंडिविजुअल। द रोल ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ जॉब वर्क आर क्लियरली डिफाइंड। दिस लेड्स टू द क्लियर डेफिनेशन ऑफ द जॉब कॉन्टेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, विच इन टर्न लेड्स टू द क्लैरिटी ऑफ द गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प इन डिजाइनिंग द हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड स्फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस विच इन्वॉल्व्स अ स्फेयर ऑफ एप्लीकेशन टू परफॉर्म फंक्शंस विच हैज़ बीन मार्क्ड ऑफ एज पार्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ लेबर। द प्रोविजन ऑफ द इनकम्बेंट विद नेसेसरी अथॉरिटी एंड द नेसेसिटी मीन्स ऑफ कंपल्सन आर क्लियरली डिफाइंड एंड देयर यूज इन सब्जेक्ट टू डेफिनेट कंडीशंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है वो बेस्ड होता है जो भी लेबर का डिवीज़न होता है उसको लेकर के। तो ये इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा जॉब होगा उसके लिए, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे जॉब उनको ऑफर करने के लिए किया जा रहा है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने का यहाँ पे बात हो रहा है। तो जो रोल होता है अलग अलग ऑफिशियल्स का ऑर्गेनाइजेशन में, उसको तहत क्या होता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में है उसको उस अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है जॉब को, मीन्स जितने भी जॉब पोजीशंस होते हैं उस अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं उनको इस चीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि क्लियर डेफिनेशन ये तैयार होता है कि जो भी जॉब के कॉन्टेंट होते हैं हर इंडिविजुअल के और उसके क्या पोजिशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सेटअप किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको क्लैरिटी के साथ फुलफिल किया जा सके, अचीव किया जा सके। और उससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है उसको डिज़ाइन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। तो ये जो है उससे क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड स्फेयर जो है वो बेस्ड होता है ये जब चीज़ है, तो उसके बारे में बताया गया जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला ये आता है कि जो भी स्फेयर है एप्लीकेशन का वो क्या करता है कि फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो भी लेबर का सिस्टमेटिक डिवीज़न होता है उसको लेकर के, और साथ ही साथ प्रोविजंस जो होता है नेसेसरी अथॉरिटी के साथ उसका भी इंकमेंट किया जाता है। और इसके अलावा जो नेसेसरी जो मींस होता है, जो भी डिफाइन किया जाता है क्लियरली, जो भी कंपल्सन को लेकर के उसका जो भी डेफिनेट कंडीशंस होता है सब, तो उसके बारे में भी अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन में कि जो लोग, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है जॉब का डिवीज़न किया जाता है, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको उस अकॉर्डिंग से ही काम दिया जाता है। अब है हायरार्की। हायरार्की इज़ द सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द फीचर ऑफ एनी ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज क्लियर सेपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑफिशियर्स, दैट इज ईच लोअर ऑफिशियर इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अ हायर। रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द जॉब एंड द ग्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन एंड कैरियर एडवांसमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड मेरिट। तो हायरार्की जो है वो एक दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एक फीचर भी है ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं उसमें क्या करता है, यहाँ पे क्लियर सेपरेशन होता है। तो जैसे मतलब कि जो लोअर ऑफिसर होते हैं उस क्या होते हैं सुपीरियर के अंडर में होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेमुनरेशन होता है वो फिक्स होता है उनके काम के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जो प्रमोशन होता है और कैरियर एडवांसमेंट होता है वो भी बेसिस पे होता है, मेरिट के बेसिस पे और सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है रूल्स। ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स इन अकॉर्डेंस विद अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। द रोल ऑफ रूल्स हैज़ बीन स्ट्रेस्ड बाय वेबर सो डैट पर्सनल फेवरेटिज्म
arbitrariness or nepotism may not hinder the working of an organization. Every act of personal discretion of official must be justified by impersonal end. तो जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो ऑपरेट करता है जो भी कंसिस्टेंट सिस्टम होता है एब्स्ट्रैक्ट रूल्स का उसमें. तो जो रोल होता है इस रूल का वो स्ट्रेस किया वेबर्स को लेकर के कि इसमें क्या होता है कि पर्सनल फेवरेटिज्म भी आता है, नेपोटिज्म भी आता है और आर्बिट्रेरीनेस भी आता है जो कि हैंडल करता है वर्किंग कंडीशंस को ऑर्गेनाइजेशन का. तो मतलब यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि जितने भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो जो मेन हेड होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है प्रमोशन हो गया या फिर जो भी मतलब प्रमोशन कैरियर एडवांसमेंट या जो भी जिसका हो जाता है या फिर बोनस देना हो गया सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया मतलब ये सब जितने भी चीज़ें होती है उस जो मेन होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि उस पर ये देखा जाए उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उनका फेवरेट होगा वो उस पर भी दे सकता है या जो उनके रिलेशन में होगा जो उनका ज़्यादा करीबी कोई अगर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको भी वो ज़्यादा दे सकते हैं पेमेंट या जो भी जॉब इन्हांसमेंट हो गया करियर इन्हांसमेंट तो कुछ भी वो कर सकते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है. फिर है रैशनलिटी. वेबर्स आइडियाज़ ऑफ अनएफिशिएंसी एंड रैशनलिटी आर क्लोज रिलेटेड टू हिज आइडियल टाइपिकल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ही ऑब्जर्व दैट ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट रैशनल नोन मीन्स ऑफ अचीविंग इम्परेटिव कंट्रोल ओवर ह्यूमन बींग्स. इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी सिंस द मीन्स यूज टू अचीव गोल्स आर रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली चूजन टुवर्ड्स द डिजायर्ड एंड्स. एंड एन एडेड फैक्टर ऑफ एफिशिएंसी इज दैट पर्सनल विम of the leader and traditional presses are no longer effective in such a system. It is running according to rules and there is a clear demarcation between personal and official affairs. Rationality is also reflected by the relatively easier means of calculability of results in the organization. तो वेबर का जो आइडिया था एफिशिएंसी और रैशनलिटी पे वो क्लोजली रिलेटेड था जो भी आइडिया होता है टिपिकल मॉडल ब्यूरोक्रेसी का उस पर. तो ये ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो ब्यूरोक्रेसी होता है बहुत ही ज़्यादा रैशनल नोन मीन्स है जिससे कि ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल किया जा सकता है. तो इससे क्या होता है कि वो कैपेबल होता है मतलब इससे जो भी एफिशिएंसी जो हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी को ऑब्टेन करने के लिए ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होता है. जैसे कि इसका जो मेन मकसद ही होता है कि गोल को अचीव करना एफिशिएंसी के साथ तो क्या होता है इससे जो भी गोल्स होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी अचीव किया जा सकता है उसी के टुवर्ड्स ही डायरेक्शन दिया जाता है. तो इसमें एक फैक्टर और ऐड किया गया एफिशिएंसी का कि जो पर्सनल वेम्स होता है कोई भी लीडर का या ट्रेडिशनल प्रेशर का वो ज़्यादा लंबे समय तक इफेक्टिव नहीं रह सकता ऐसे सिस्टम में. ये रन करता है रूल्स के अकॉर्डिंग और साथ ही वहाँ पे क्या होता है क्लियर क्या होता है डेमार्केशन होता है पर्सनल और प्रोफेशनल ऑफिशियल मींस पर्सनल प्रोफेशनल अफेयर्स के बीच में. तो जो रैशनलिटी होता है वो भी रिफ्लेक्ट करता है जो भी रिलेटिवली क्या होता है ईजियर होता है मींस ऑफ कैलकुलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको लेकर के भी यहाँ पे रैशनलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. अब है इम्पर्सनैलिटी. इट शुड बी ऑब्जर्व बाय ऑल ऑफिशियल्स इन डिसीजन मेकिंग एंड इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ. द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म हैज़ नो प्लेस फॉर पीपल विम्स फैंसीज और इरेशनल सेंटिमेंट्स. ऑफिशियल एक्टिविटी इज कंडक्टेड इन द बिजनेस लाइक मैनर विच इज विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल इम्पर्सनैलिटी. तो इम्पर्सनैलिटी में बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व किया गया जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में है उनके द्वारा उसको क्या करता है इस चीज़ को वो लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए. तो जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म होता है उसका कोई भी प्लेस नहीं होता है पर्सनल वेम्स के लिए या फैंकीज के लिए या इरेशनल सेंटिमेंट्स के लिए. तो जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होता है उसको कंडक्ट किया जाता है बिजनेस में जो भी मैनर में होता है हाई डिग्री ऑफ मीन्स ऑपरेशनल इम्पर्सनैलिटी के साथ में. फिर है रूल ऑफ ओरिएंटेशन. रैशनैलिटी एंड इम्पर्सनैलिटी आर मेनली अचीव थ्रू फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर विच clearly define official spheres of authority and conduct. Employees are expected to follow the rules in discharging their duties. तो जो rationality और impersonality होता है वो mainly achieve होता है formalities का जो भी rules and procedure का जो formalities होता है उससे जिसमें कि clearly define किया जाता है जो official spheres का authority या जो conduct होता है उसका. तो जो employees होता है वो expect करता है कि जो भी rules है वो सारा rules को वो follow कर सके जो भी इसको ड्यूटी दिया गया है उसके लिए. फिर है न्यूट्रलिटी.
न्यूट्रलिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन आर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग. ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू बी अ पॉलिटिकल एंड न्यूट्रल इन इट्स ऑरिएंटेशन. इट इज कमिटेड ओनली टू द वर्क इन इट मीन टू परफॉर्म. तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो न्यूट्रलिटी होता है वो क्या होता है, वो एक डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे जो भी उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कार्डियल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के वे में उसको फंक्शन किया जाता है. तो जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो सपोज करता है कोई भी पॉलिटिकल और नेचुरल को जो कि उसके ऑरिएंटेशन में होता है. तो इससे क्या होता है कि जो भी ये कमिट किया है, मीन्स इट इज़ कमिटेड ओनली टू द वर्क इन इट इज मेंट टू परफॉर्म. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी उनको काम करने के लिए बोला गया है सिर्फ उसी का काम ही वो करेंगे, वही काम करने के लिए ही वो कमिटेड है, उसके अलावा वो कोई भी और एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे. अब यहाँ पे है क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. किसी भी तरह का डाउट हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए. वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू.